लिए गन्ने का रस बहुत फायदे का है। गन्ने का रस लिया जाए, गन्ने के रस से आपका जो लिवर है वो ठीक रहेगा और आपको काफ़ी ताजगी मिलेगी। क्योंकि जब लिवर ख़राब होता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेला हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिवर तो कहते हैं ना, लाइफ के लिए लिवर बहुत ज़रूरी है। ये दो बीमारियाँ मैंने बहुत देखी हुई हैं और इस पर मैंने बात की। और कोई बीमारी के बारे में पूछना हो तो पूछिए। आस्मा, आस्मा होता है लिवर से। लिवर को आप कर हमेशा बर्फ़ रखें वैसे भी तो आपका लिवर ठंडा हो जाए। आस्मा को ठीक करने के लिवर पे आप हमेशा थोड़ा सा बर्फ़ रखें और बर्फ़ से आप अपने जो पीठ पे राइट साइड राइट हार्ट है वहाँ पर भी आप थोड़ा बर्फ़ रखें। खाना नहीं चाहिए बर्फ़, जब जब हम खाते हैं तो गर्मी करते हैं और बाहर से लगाना चाहिए तो वो गर्मी को खींचता है, उससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। और उसका मंत्र है श्री राम, श्री राम का मंत्र कहने से वो ठीक हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं कि अभी जाने का है तो मोटर रखो तो फलाना करो तो ठिकाना करो तो ऐसा करने का है, औरतें खास करके हमेशा सोचती हैं कि कल क्या खाना बनाए, परसों क्या खाना बनाए, तो ये क्या लाएं, तो क्या लाएं, ये सब सोचने से बेकार है। जो सब्ज़ी बाज़ार में लाए मिलेगी वही तो खाओगे। ये तो अजीब बातें हैं कि आज अगर हमने सोच लिया कि चलो हम आज परमल खाएंगे और बाज़ार में परमल है नहीं तो क्या खाएंगे परमल। औरतें इस तरह की बहुत बातें सोचती रहती हैं हर समय, बेकार की बात, तो ये छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ये किचन ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए, फिर हस्बैंड ने अगर इधर से इधर पैर रख दिया तो कह रहे ऐसे नहीं करो, देखो वो ख़राब हो रही है। घर में आदमी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं कि ये घर में एक सुंदर सा नीट नेस्ट बना हुआ है, यहाँ के आराम करेंगे, थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या बात है। हर समय उनकी जान को लगे रहना, ये ठीक से बैठो वो रखो, अगर एक चीज़ टूट गई तो हो गया हाय तो बाप मच जाती है। घर में चार चीज़ टूटेंगी, घर में नहीं टूटेंगे तो और कहाँ टूटने वाली। जो औरतें बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंसिस्टेंस लगाती हैं उनका बदन ड्राई अप हो जाता है, फिर उनको ये सब शिकायतें शुरू होती हैं। तो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, कोई हर्जा नहीं, थोड़ा सा घर खराब हो गया तो आप ठीक करिए, उसमें क्या है। पर वो उनको लगता है ना मेरे को मेहनत पड़ेगी तो इसलिए पहले से चिल्लाना शुरू करते हैं, और चिल्लाने में ज़्यादा मेहनत होती है बनिस्बत ठीक करने। आदमी लोगों को भी जो अपनी औरतों की नीक मेक हमेशा निकालते रहते हैं, वो औरत लोग को ज़रा ज़्यादा ही टाइम लगता है तैयार होने में नेचुरली, क्योंकि आदमी लोग को क्या है आपने अच्छे ड्रेस बना लिया है अंग्रेज़ों का, फड़ाक से पहन लिए चल दी। अब औरत लोग को तो साड़ी ठीक से पहननी है, अभी मेरे को बहुत कम टाइम लगता है तो भी, अब साड़ी है अगर ऊंची नीची है तो वो भी बोलेंगे तुम साड़ी ऊंची नीची पहने, फिर तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, पर फलाना आपको क्या करने का है। औरत के हर एक नीक मेक निकालते रहना कि तुम ऐसी क्यों बैठी, फिर तुम्हें ये क्यों बोला, तो तुम वहाँ क्यों गई, तो यहाँ क्यों नहीं आई, तो ऐसा क्यों नहीं किया, उससे भी खोपड़ी अपनी ख़राब करते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने को देखो उसको अपने को देखने दो, सहयोग में कोई किसी को करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो करेक्शन पर लग जाते हैं आदमी लोग तो उनको फिर कोई अंत ही नहीं रहता, उनको लगता है उनको राइट है औरत को करेक्ट करने हर चीज़ में, उनको फिर औरत उनको करेक्ट करती रहती है, ऐसे ही चलते रहता है। झगड़े की बात अपने सहयोग में नहीं है।